दोस्तों, हम आज जिस शानदार स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 11 रुपीज़ 30 पैसे पे। लेकिन तो आप लोग चार्ट पे वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -93.89%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -93.89%, 1 ईयर में रिटर्न दिया है 1,278.05%। पिछले 1 सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया, लगभग 13 गुना हो चुका है। ईयर टू डेट रिटर्न दिया है 280.47%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है 404.46%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है 78.23%, 5 डेज में रिटर्न दिया है 21.24%, और 1 डे में रिटर्न दिया है 4.92%। दोस्तों, आप हमें सोशल मीडिया पर जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हम आ गए हैं स्क्रीन वेबसाइट पर, यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। पहले चलता हूँ आप लोग को कंपनी की वेबसाइट पर। दोस्तों, वेबसाइट है वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई हुई है। कंपनी के बारे में रिसेंट इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर दी गई, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कोलकाता में स्थित है। आपको और जानकारी इसी वेबसाइट पर आके आप चेक कर सकते हैं। जो मार्केट कैप है वो 14.8 करोड़ से, मार्केट कैप लेस देन 100 करोड़, एक पेनी स्टॉक है। जो करंट प्राइस है 11.3 रुपीज़ की है। इसका जो 52 वीक हाई है 11.3 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 0.78 रुपीज़ का है। इसकी जो बुक वैल्यू है 72.7 रुपीज़ की, अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ता ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड 0 की है, ROC -0.34% की है। इसकी जो ROE है -0.34% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ की। दोस्तों, ये चार्ट है वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक ने पिछले 1 सालों में काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, लगभग कर्जमुक्त कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.16 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो भी ट्रेड हो रहा है 0.16 टाइम्स इसकी बुक वैल्यू के ट्रेड हो रहा है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया स्टॉक काफ़ी सस्ता ट्रेड कर रहा है इसकी बुक वैल्यू पे। क्रॉस चेक करते हैं, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। द कंपनी है डिलीवरी पुअर सेल ग्रोथ ऑफ -60.18% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल में कंपनी ने पुअर सेल ग्रोथ डिलीवर की है -60.18% की। प्रमोटर होल्डिंग लो 0.90%, कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है 0.90% की है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -1.66% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो है, कम है, -1.66% का है। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 6,096.01 डेज। कंपनी का जो डिबेटर्स है वो हाई है 6,096.01 डेज का है। ये कंपनी चेक करते हैं, कंपनी की जो काम करती है ये ट्रेडिंग के सेक्टर में काम करती है, इंडस्ट्री ट्रेडिंग की है सेक्टर में जो नंबर वन कंपनी है। अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी टेन इंडिया, उसके बाद एगिस लॉजिस्टिक्स, MMTC पर ट्रेन इंडस्ट्रीज़ है, देन कार ट्रेड टेक है, उसके बाद ऑप्टीमस इंफ्रा है, और नंबर 8 पे वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम इसकी क्वार्टरली जो चेक करते हैं, मार्च 2019 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो 0.06 करोड़ की थी, और दिसंबर 2021 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट 0.22 करोड़ की, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। कंपनी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं, मार्च 2019 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 0 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है -0.32 करोड़ की, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट आई है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में कोई जानकारी नहीं, 5 ईयर्स में -60%, 3 ईयर्स में -35%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की जानकारी यहाँ पर नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR बिजनेस की जानकारी यहाँ पे नहीं है। 5 ईयर्स में -49%, 3 ईयर्स में 48%, 1 ईयर में है 1,214%। रिटर्न ऑन इक्विटी
10 ईयर्स में यहाँ पे जानकारी नहीं है, 5 ईयर्स में -1%, 3 ईयर्स में -2%, लास्ट ईयर में है 0%। हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 9 में कंपनी की जो टोटल एसेट थी 1.08 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में कंपनी की जो टोटल एसेट्स है 99.44 करोड़ के, कमी टोटल एसेट्स यहाँ पे बढ़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 9 में नेट कैश फ्लो की जानकारी यहाँ पे नहीं है। मार्च 21 में कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है 0.43 करोड़ की है, इसके रेशियो चेक करते हैं। मार्च 9 में कैश कन्वर्जन साइकिल्स की जानकारी यहाँ पे नहीं है, और मार्च 21 में कंपनी की जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 6096.01 की है। मार्च 9 में कंपनी जो ROC है उसकी जानकारी यहाँ पे नहीं है, और मार्च 21 में कंपनी की जो ROC है -0.34% की है। उसे रोडिंग पैटर्न चेक करते हैं। जून 2019 में काउंटर्स के पास 0.56% शेयर्स थे, और मार्च 2022 में काउंटर्स के पास 0.90% शेयर्स हैं। काउंटर की शेयर होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी हुई है। जून 2019 में कंपनी के पास 99.44% शेयर्स थे, और मार्च 2022 में पब्लिक के पास 99.10% शेयर्स हैं। तो यहाँ पे पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पे कम हुई है। पब्लिक के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में शेयर्स अभी भी हैं। इस स्टॉक का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो पब्लिक के पास ही। दोस्तों, हमने रिटेल एनालिसिस किया VB इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। दोस्तों, पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।